हेलो एवरीवन नेक्स्ट थ्योरम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इफ़ ये हमने एक सेट लिया है और इसके अंदर जो इसके एलिमेंट हैं वो क्लोज्ड इंटरवल्स हैं आई वन आई टू आई एन सो ऑन बी अ सेट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स तो ये क्लोज्ड इंटरवल्स का एक सेट है एंड आई एन प्लस वन इज़ अ सबसेट ऑफ आई एन आई एन प्लस वन आई एन का सबसेट है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन देखो यहाँ पे आई एन प्लस वन इज़ अ सबसेट ऑफ आई एन ये लिखा हुआ है फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू एन यानी कि नेचुरल नंबर्स के सेट में हमारा स्मॉल एंड बिलोंग कर रहा है तो जब एन इक्वल्स टू वन है तो ये बनेगा आई टू इज़ अ सबसेट ऑफ आई वन ठीक है जब एन इक्वल्स टू टू लेंगे तो आई थ्री इज़ अ सबसेट ऑफ आई टू यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं आई वन में कम्प्लीटली आई टू कंटेंड इन है आई टू में कम्प्लीटली आई थ्री कंटेंड इन है इसमें I four in this, so on. ये दे रखा है हमें ठीक है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट कॉमन टू ऑल इंटरवल्स तो हमें प्रूव ये करना है कि इन सारे इंटरवल्स में कम से कम एक पॉइंट कॉमन होगा मतलब कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सारे इंटरवल्स में आएगा या फिर ऐसे कह लो कि इन इंटरवल्स का अगर हम इंटरसेक्शन ले इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट तो आते हैं जो एलिमेंट जो इंटरवल्स में कॉमन होंगे ठीक है तो इनका इंटरसेक्शन अगर ले हम तो वो खाली नहीं होगा कम से कम एक एलिमेंट इस इंटरसेक्शन में होगा ठीक है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट कॉमन टू ऑल इंटरवल्स इन इंटरवल्स में कम से कम एक पॉइंट कॉमन होगा ओके देखो ये थ्योरम वैसे तो कॉम्पैक्ट सेट की थ्योरम नहीं है लेकिन कॉम्पैक्ट की एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हेन बोरेज के प्रूफ में इस थ्योरम का रिजल्ट यूज़ होता है इसलिए उससे पहले हम ये कर रहे हैं ठीक है ओके तो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं तो प्रूफ देखो हमें ये I1, I2, I3, In ये सब क्लोज इंटरवल्स लेने हैं ठीक है तो हम मान लेते हैं लेट I1 वन इज़ क्लोज इंटरवल ए वन बी वन आई टू क्लोज इंटरवल ए टू बी टू ठीक है सो ऑन आई एन क्लोज इंटरवल ए एन बी एन ठीक है और हमें ये दे रखा है कि आई वन के अंदर पूरा का पूरा आई टू कंटेंट इन है इसमें पूरा का पूरा आई थ्री कंटेंट इन है फिर आई फोर कंटेंट इन है सो so ऑन इस तरह से ये जो इंटरवल्स बनते हैं ना Uh, एक इंटरवल के अंदर दूसरा पूरी की तरह पूरा का पूरा कंटेंट इन है पूरी तरह से कंटेंट इन है फिर नेक्स्ट पूरी तरह से कंटेंट इन है इन इंटरवल्स को नेस्टेड इंटरवल्स कहते हैं नेस्टेड इंटरवल्स हिंदी में नीडित अंतराल नेस्टेड इंटरवल्स कहते हैं तो ये जो थ्योरम है ये नेस्टेड इंटरवल्स की थ्योरम है तो इस थ्योरम में हमें नेस्टेड इंटरवल्स दे रखे हैं I1 का सबसेट है I2, I2 का सबसेट है I3, I3 का सबसेट है I4। अब अगर हम इसे यानी अगर हम रियल लाइन पे देखें तो ये जो I1 वाला इंटरवल है ये सबसे बड़ा होगा ये ए वन है सपोज और ये बी वन है ठीक है तो ये ए टू ए थ्री ए फोर इधर बी टू बी थ्री b4 तो ये वाला जो इंटरवल है i1 इसका सबसेट है i2 फिर उसका सबसेट है i3 फिर उसका सबसेट है i4 फोर सो ऑन ओके इस तरह से हमें दे रखा है और हमें प्रूव ये करना है कि इन सब का जो इंटरसेक्शन होगा वो खाली नहीं होगा उसमें कम से कम एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ठीक है तो अब देखो हम क्या करते हैं ये जो इंटरवल्स का का लेफ्ट पॉइंट है उनका एक सेट बनाते हैं लेट एस इक्वल्स टू ए वन ए टू ए थ्री सो ऑन बी एन ए सेट ठीक है ये हमने एक सेट बना लिया अच्छा ये सारे है तो रियल नंबर्स ही यानी कि ये एस जो है ये सबसेट है रियल नंबर्स के सेट का ठीक है अब देखो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ए वन से ए टू बड़ा है ए टू से ए थ्री बड़ा है ए थ्री से ए फोर बड़ा है सो so ऑन और बी वन से सब छोटे हैं है ना सिंस नन लेस देन इक्वल ए टू लेस देन इक्वल भी नहीं ए थ्री लेस देन ए फोर सो ऑन लेस देन बी वन राइट तो मतलब ये हुआ कि सेट एस के सारे एलिमेंट्स बी वन से छोटे हैं ओके मतलब बी वन जो है वो सेट एस का अपर बाउंड है यानी कि सेट एस ऊपर की तरफ से बाउंडेड है ठीक है तो फॉर ऑल ए एन बिलोंग्स टू एस ए एन लेस देन बी वन ठीक है एस के सारे एलिमेंट बी वन से छोटे हैं यानी कि एस इज बाउंडेड अबव एस सेट जो है वो ऊपर की तरफ से बाउंडेड है ओके okay? अब देखो एस एक सबसेट है रियल नंबर्स के सेट का और एस बाउंडेड अबव है तो कम्प्लीटनेस जो प्रॉपर्टी थी उससे हम कह सकते हैं कि एस का सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा ये कम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ तो आप उसे रिकॉल कर लेना एक बार तो सेट एस बाउंडेड अबव है आर का सबसेट है ठीक है और आर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से एस का सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा ओके लेट हम मान लेते हैं एस का जो सुप्रीमम है वो एल्फा है लेट सुप्रीमम एस इज इक्वल्स टू एल्फा ठीक है अब चाहो तो यहाँ पे रीजन मेंशन कर सकते हो सिंस एस इज बाउंडेड अबव सो बाय कंप्लीटनेस एक्जियो इट्स सुप्रीम विल एक्सिस्ट ठीक है इसका सुप्रीम एग्जिस्ट करेगा और वो सुप्रीमम हमने एल्फा मान दिया ठीक है अब देखो एल्फा सुप्रीम है यानी कि लीस्ट अपर बाउंड है अपर बाउंड है मतलब सेट के एस के सारे एलिमेंट्स इस सुप्रीमम से छोटे होंगे राइट और लीस्ट अपर बाउंड है यानी कि अगर कोई और अपर बाउंड होगा इस सेट का तो एल्फा उन सब में सबसे छोटा होगा ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ऑल ए एन बिलोंग्स टू एस ए एन लेस देन इक्वल एल्फा राइट ए एन मतलब सेट uh, के सारे एलिमेंट एल्फा से छोटे हैं ओके और दूसरा इंटरवल्स में देखो आई एन इंटरवल की अगर हम बात करें तो क्लियर दिख रहा है हमें ए एन बी एन से सॉरी ए एन बी एन से छोटा होगा क्योंकि रियल लाइन पे ये नंबर्स है और रियल लाइन पे ए एन लेफ्ट साइड में आ रहा है और बी एन राइट साइड में तो हमें पता है रियल लाइन पे राइट साइड right वाला एलिमेंट बड़ा होता है ये चीज तो हमें पता ही है ठीक है एंड ए एन लेस देन इज इक्वल्स टू बी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन ठीक है ये इज इक्वल्स टू इसलिए लिख दिया कि अगर मान लो सिंगल टर्न सेट बन जाए वैसे इंटरवल है तो मैं सिर्फ लेस देन ही लिख देती हूँ ए एन लेस देन है बी एन से ठीक है अब देखो इन दोनों सिचुएशंस को देखो अल्फा अपर बाउंड है ए एन का मतलब सेट एस का सॉरी सेट एस का अपर बाउंड है अल्फा क्योंकि सेट एस के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो अल्फ़ा से छोटे हैं ओके और ए एन लेस देन बी एन है मतलब बी एन भी अपर बाउंड है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन लिखा है ना हमने तो बी एन भी अपर बाउंड है और अल्फा हमने देखा है कि लीस्ट अपर बाउंड है तो इन दोनों में से ऑफकोर्स हमें पता है अल्फा छोटा होगा क्योंकि अल्फा लीस्ट अपर बाउंड है ठीक है तो हम कह सकते हैं ए एन लेस देन इक्वल एल्फा लेस देन बी एन ठीक है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन ओके तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्फ़ा जो है वो ए एन से बड़ा और बी एन से छोटा है यानी कि ए एन बी एन इंटरवल में लाई करता है एल्फ़ा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन ठीक है तो जब एन इक्वल वन होगा तो ए वन और बी वन के बीच में आएगा एल्फा जब एन इक्ल्स टू टू होगा तो ए टू और बी टू के बीच में आएगा एल्फा यानी कि एल्फा हर एक इंटरवल में लाई करता है मतलब एल्फ़ा जो है वो सारे इंटरवल्स में कॉमन है ठीक है मतलब कम से कम एक एलिमेंट एल्फा जो कि इस सेट एस का सुप्रीम बन रहा है वो हर एक सॉरी इस सेट एस का तो वो हर एक इंटरवल के अंदर कॉमन होगा और यही हमें प्रूव करना था इसका मतलब हम लिख सकते हैं एल्फा बिलोंग्स टू आई एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन ठीक है N, N, हर एक इंटरवल में एल्फा बिलोंग करता है हेंस इंटरसेक्शन n belongs to n i n is not equals to phi ये इंटरसेक्शन खाली नहीं है इसमें कम से कम एक एलिमेंट अल्फा होगा और यही थ्योरम थी यही हमें प्रूव करना था ठीक है अब इस थ्योरम के कंटिन्यूशन में एक और रिजल्ट है वो है ये जो थ्योरम की स्टेटमेंट है उसी के साथ अगर हमें एक और चीज़ ऐड कर दें यानी कि थ्योरम की स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा था कि आई एन ये कैसे हैं क्लोज्ड इंटरवल्स हैं ठीक है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन और हमें क्या दे रखा था एंड आई एन प्लस वन इज अ सबसेट ऑफ आई एन ये दोनों कंडीशंस तो इस थ्योरम में दे रखी थी इसके साथ अगर एक और कंडीशन ऐड कर दी जाए लेंथ ऑफ आई एन टेंस टू ज़ीरो एज एन टेंड्स टू इनफीनिटी जैसे जैसे एन इन्फिनिट को अप्रोच करेगा इंटरवल की लेंथ जो है वो जीरो को अप्रोच कर रही है ठीक है तो अगर ये सारी चीज़ें गिवन हो इफ देन रिजल्ट क्या होगा इंटरसेक्शन एन बिलोंग्स टू एन आई एन कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉइंट और वन एलिमेंट ठीक है देखो अभी हमें ये दो कंडीशंस दे रखी थी और हमने प्रूव किया था कि इंटरसेक्शन में कम से कम एक एलिमेंट होगा खाली नहीं होगा मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक होगा अब अगर इन दोनों के साथ ये एक और कंडीशन ऐड कर दी जाए तो हम कह रहे हैं इंटरसेक्शन कंटेंस एग्जैक्टली वन पॉइंट तो इस इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली exactly एक ही एलिमेंट होगा ठीक है खाली तो नहीं होगा लेकिन एक से ज़्यादा एलिमेंट भी नहीं होंगे तो अब इसका प्रूफ और, और देख लेते हैं हम तो देखो जब हमें ये दो कंडीशंस दे रखी है तो इन दो कंडीशंस के बेस पर हम ये तो कह ही सकते हैं कि इंटरसेक्शन जो है वो खाली नहीं होगा कम से कम एक एलिमेंट होगा ठीक है अब हमें ये एक एडिशनल कंडीशन दिया और प्रूव ये करना है कि अगर ये कंडीशन भी अप्लाई हो जाती है ऐड हो जाती है तो इस इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट होगा एक से ज़्यादा नहीं होंगे ठीक है तो इसे हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे हम ऐसा मान लेते हैं कि इस इंटरसेक्शन में दो एलिमेंट लाए करते हैं ठीक है तो प्रूफ देखो यहाँ तक इन दोनों कंडीशन से और ये इंटरसेक्शन एम नहीं है ये प्रूफ हम कर चुके हैं तो मैं ये सब मेंशन नहीं कर रही हूँ जो एडिशनल है वही कर रही हूँ इसके प्रूफ में ठीक है तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन एन बिलोंग्स टू एन आई एन ठीक है एंड एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई दो डिफरेंट एलिमेंट इस इंटरसेक्शन में बिलोंग करते हैं कंट्रेडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं हम ओके okay? तो प्रूव ये करना है कि एग्जैक्टली exactly वन होगा हमने मान लिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं इंटरसेक्शन में और दोनों बराबर नहीं है ठीक है अब देखो अगर मैं इन दोनों एलिमेंट्स के बीच की डिस्टेंस की बात करूँ अच्छा ये दोनों एलिमेंट इंटरसेक्शन में इसका मतलब हर एक इंटरवल में होंगे ये एक्स वाई बिलोंग्स टू आई एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन हर एक इंटरवल में होंगे ये पॉइंट तभी तो इंटरसेक्शन में जाएंगे राइट अब अगर हम इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात करें ठीक है जैसे रियल लाइन पे समझो ये ए एन है ये बी एन है ठीक है और एक्स और वाई दोनों इस इंटरवल में मतलब ए क्लोज इंटरवल है तो ए एन से बी एन तक ए एन को भी इंक्लूड कर सकते हैं बी एन को भी कर सकते हैं इस रेंज में कोई भी दो पॉइंट एक्स और वाई है ठीक है अगर मैं एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस की बात करूँ तो ये होगी मोड एक्स माइनस वाई मोड इसलिए क्योंकि अगर एक्स uh, बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा तो जरूरत नहीं है मोड की लेकिन अगर एक्स छोटा है तो नेगेटिव आ सकती है ना ये वैल्यू तो मोड से वो पॉजिटिव हो जाएगी लेंथ नेगेटिव तो होती नहीं है तो ये जो डिस्टेंस है ये लेस देन इक्वल होगी ए एन माइनस बी एन के ठीक है क्योंकि ये एंड पॉइंट्स है तो बीच में अगर पॉइंट है मान लो ये एक्स है ये वाई है तो ये डिस्टेंस कम होगी इससे और अगर यही एंड पॉइंट्स ही, ही हैं एक्स और वाई इंटरवल में बिलोंग करते हैं तो एंड पॉइंट भी हो सकते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा ठीक है यहां भी मोड लगाया है तो बी एन माइनस ए एन लिखने की जरूरत नहीं है ओके तो ये जो है ये क्या है इंटरवल की लेंथ है इंटरवल की लेंथ यही तो होगी ना इस इंटरवल की लेंथ एंड पॉइंट में से स्टार्टिंग पॉइंट माइनस कर इंटरवल की लेंथ होती है और जैसे मैंने कहा मोड लगाया है तो बी एन माइनस ए एन लिखो या ए एन माइनस बी एन फर्क नहीं पड़ता ठीक है यानी कि एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल है आई एन के ठीक है लेंथ ऑफ इंटरवल आई एन ओके एंड मोड आई एन हमें दे रखा है टेंड्स टू जीरो हमें जो एडिशनल कंडीशन इस थ्योरम में दी है ठीक है तो अगर हम इस पे ये कंडीशन लगाए एन टू इन्फिनिटी एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी मोड एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल जीरो होगा सॉरी विजिबल नहीं था क्योंकि मोड एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल मोड आई एन है और जैसे एन टेंड्स टू इन्फिनी है मोड आई एन टेंड्स टू जीरो है तो ये लेस देन इक्वल ज़ीरो आएगा अब मॉड्यूल्स में जो वैल्यू है लेंथ है डिस्टेंस है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है कि ये जो है ये ज़ीरो हो जाए ठीक है और ये ज़ीरो कब होगा जब एक्स और वाई इक्वल होंगे समझ रहे हैं आप देखिए मोड एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल ज़ीरो लिखा है यानी कि ये तो या तो ये नंबर नेगेटिव है या ये नंबर जीरो के इक्वल है अब ये नंबर नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि मोड्यूलस uh, में है लेंथ है तो लेंथ नेगेटिव नहीं होती ठीक है तो ये नंबर जीरो हो सकता है और ये नंबर जीरो कब होगा जब एक्स और वाई दोनों बराबर हो जाएंगे ठीक है तो एक्स इक्वल वाई तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया क्योंकि हम तो मान के चले थे एक्स नॉट इक्वल वाई हम ये मान के चले थे कि दो पॉइंट हमने लिए इंटरसेक्शन में से और दोनों बराबर नहीं है लेकिन वो दोनों तो बराबर आ रहे हैं इसका मतलब इंटरसेक्शन के अंदर दो पॉइंट नहीं हो सकते ठीक है कंट्राडिक्शन ठीक है इसका मतलब हमारा एजम्पन रॉन्ग रोंग था हमने एजम्पन क्या लिया था कि इंटरसेक्शन के अंदर दो पॉइंट बिलोंग करते हैं तो इट इंप्लाइज इंटरसेक्शन एन बिलोंग्स टू एन आई एन कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉइंट इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली exactly एक ही पॉइंट होगा ठीक है तो हमें क्योंकि इस थ्योरम का रिजल्ट यूज़ करना है इसलिए मैं एक और बार रिवाइज करती हूँ चीज़ों को हमें क्या दे रखा है आई एन क्लोज इंटरवल्स है आई वन आई टू आई थ्री आई फोर सो ऑन ये क्लोज्ड इंटरवल्स है क्लोज इंटरवल्स कैसे हैं आई एन एन प्लस वन इज़ अ सबसेट ऑफ आई एन और ये भी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन था यानी कि आई वन के अंदर पूरा का पूरा आई टू कंटेंड इन है उसमें आई थ्री कंटेंड इन है उसमें आई फोर कंटेंट इन है सो ऑन ठीक है और लेंथ ऑफ इंटरवल आई एन टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यानी कि जैसे एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा वैसे ही जो इंटरवल की लेंथ है वो जीरो को अप्रोच करेगी ठीक है तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसके बेसिस पे रिजल्ट क्या निकलता है कि इंटरसेक्शन जो है आई एन का कंटेंस एग्जैक्टली वन पॉइंट उस इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली exactly एक पॉइंट लाइक करेगा तो ना तो ये इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा और ना ही इस इंटरसेक्शन में एक से ज्यादा पॉइंट होंगे इस इंटरसेक्शन में एक्जैक्टली exactly एक पॉइंट होगा इस थ्योरम को कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम कहते हैं कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम तो ये वाली जो है जिसमें ये तीनों कंडीशन है और ये रिजल्ट है कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम आई होप थ्योरम का प्रूफ आपको समझ आ गया होगा और इसका रिज़ल्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा अगले वीडियो में हम लोग हेन बोरे थ्योरम करेंगे वहाँ पे ये रिजल्ट यूज़ करेंगे कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू